बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 14th लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का। आज के लेक्चर का टॉपिक है गीगर म्यूलर काउंटर। बेसिकली हमारे पास गीगर म्यूलर काउंटर एक डिवाइस है, या आप इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है या मेजर करता है। कोई भी आयोनाइजेशन रेडिएशन आ रही हो, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गैमा हो, जौन से भी पार्टिकल्स हों, उससे गीगर म्यूलर काउंटर डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये आने वाली रेडिएशन अल्फा है या बीटा है या गैमा है। बस डिटेक्ट कर देगा कि कोई भी रेडिएशंस आ रही हैं। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, जहां से जिस साउंड से पता चलता है कि हमारे पास आयंस जो हैं वो विंडो से आ रहे हैं, यानी अल्फा बीटा या गैमा आ रहे होंगे तो सेंसर साउंड प्रोड्यूस करेगा कि रेडिएशंस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इसको इसकी तस्वीर से समझते हैं और तस्वीर से इस टॉपिक को देखते हैं। बेसिकली गीगर काउंटर एक साइलेंड्रिकल शेप है और इसके अंदर लो प्रेशर गैस जो है वो इसके अंदर सील्ड है इन अ प्लास्टिक या फिर सेरेमिक विंडो में किसी एक एंड पे दोनों में से। और ये जो साइलेंड्रिकल ट्यूब है इसके सेंटर में एक थिन मेटल वायर है जो कि टंगस्टन की बनी हुई है और वायर कनेक्टेड है हाई पॉजिटिव वोल्टेज से। आप तस्वीर से देख सकते हैं कि एक साइड पे कैथोड है जिस साइड पे विंडो होगी, यानी उधर नेगेटिव है, और एक साइड पे एनोड है यानी पॉजिटिव। तो जो वायर है वो कनेक्टेड है हाई पॉजिटिव वोल्टेज से। तो उससे क्या हो रहा है कि इसके अंदर और इस ट्यूब की आउटसाइड पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स जेनरेट हो रही है। तो जब जो रेडिएशंस है वो ट्यूब में एंटर होती है तो आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स वो स्प्लिट हो जाते हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स अब नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमारे पास सेंटर में हमने कहा कि वायर है जो कि पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, तो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं हाई वोल्टेज पॉजिटिव वायर की तरफ, और जब वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो उस तरफ जाते हुए ट्यूब में कोलाइड करते हैं बाकी गैस मॉलिक्यूल्स के साथ और फर्दर गैस आयोनाइजेशन होती है। इस तरह से इस गीगर म्यूलर काउंटर में इस साइलेंड्रिकल शेप के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स सडनली कलेक्ट हो जाते हैं इस पॉजिटिव वायर की साइड्स पर, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से एक क्लिक की साउंड आती है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी में हो रहा होता है कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्विकली एब्जॉर्ब होते हैं अमंग द बिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द ट्यूब, कि वो फौरन ही जनरेट हो रहे हैं, डिटेक्ट हो रहे हैं, फौरन ही खत्म हो जाते हैं और फिर फौरन दोबारा जनरेट होते हैं। इस तरह क्लिक 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 होता रहता है। ये प्रोसेस गीगर म्यूलर काउंटर में इस तरह कंटिन्यूसली हो रहा होता है। अब मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर ये अल्फा बीटा गैमा सारी डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये रेडिएशन ये नहीं बता सकता कि ये अल्फा है या बीटा है या गैमा है। इसके बाद एफिशिएंसी है इसकी। एफिशिएंसी किस तरह से आप इसकी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्टेड जो हैं, कि जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रेडिएशंस के डिटेक्ट हो रहे हैं उनका आप डिवाइड कर दें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रेडिएशन के जो एमिट हो रहे हैं, तो आपके पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, इनएक्सपेंसिव है ये इंस्ट्रूमेंट, ये ड्यूरेबल है और इजीली पोर्टेबल है, यानी इतना हैवी नहीं है कि इसको इधर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना मुश्किल हो, या इतना बड़ा भी नहीं होता इन साइज, और ये ऑल टाइप ऑफ द रेडिएशंस डिटेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्फा की रेडिएशंस आए तो ये आपको सेंसर से कोई साउंड प्रोड्यूस हो कि रेडिएशंस आ रही हैं और बीटा गैमा की दफा ना बताए, ये तीनों किस्म के रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस यही है कि ये नहीं बता सकता कि ये रेडिएशन जो आई अल्फा थी, बीटा थी या गैमा थी, और इसको आप एग्जैक्ट एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए रेडिएशन की भी नहीं यूज कर सकते, ये सही वैल्यू नहीं बताएगा आपको, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।